5 अगस्त को जो फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बेल प्ली की हियरिंग नहीं खत्म हुई, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच जिसमें की जस्टिसेस बीआर गवई और केबी विश्वनाथन मौजूद थे, ने इसे 6 अगस्त के लिए वापस से लिस्ट किया है। हालांकि वे सेंट्रल एजेंसीज की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू से काफी नाराज दिखे हैं कि वे अपने सबमिशन सुनाने के लिए कोर्ट का इतना वक्त ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सिसोदिया की ओर से मौजूद एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने वापस से ये इल्जाम लगाया है कि सीबीआई और ईडी इस मामले को बस डिले करने की कोशिश कर रही है। मनीष सिसोदिया के अलावा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और यहां तक कि बीआरएस लीडर की कविता भी बेल की मांग किए थक नहीं रहे हैं, पर इस मामले में कोई रिलीफ नहीं मिलने से वे भी काफी परेशान हैं। इतना कि कविता ने दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट से अपनी डिफॉल्ट बेल की प्ली ही विड्रॉ कर ली है। जी हां, आपने सही सुना। इसके अलावा एक नजर डालते हैं कि 6 अगस्त की हियरिंग में सीनियर एडवोकेट सिंघवी और एएसजी एसपी राजू में किस बात को लेकर इतनी बहस हुई है और अंत में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने क्या फैसला सुनाया है। हियरिंग की शुरुआत में ही कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर दोनों पार्टी के काउंसिल में झगड़ा देखने को मिला है, जब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि उन्होंने रीजॉइंडर पहले ही फाइल कर दी है, पर एएसजी एसवी राजू ने ये क्लेम किया कि ये बीते दिन ही फाइल हुई है। हालांकि जब कोर्ट को पता चला कि रीजॉइंडर ऑलरेडी सेंट्रल एजेंसी को सर्व हो चुका है, तो वे काफी भड़क गए और फटकारते हुए कहा, यू सेंट्रल एजेंसी शुड हैव बीन मोर केयरफुल, हाउ कैन दे सिसोदिया बी फॉल्टेड फॉर दिस। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एएसजी एसवी राजू से कड़े सवाल पूछते हुए शुरू किया कि हैज द ट्रायल ऑफिशियली कमेंस्ड। इस मामले में एक जवाब देते हुए एएसजी एसवी राजू ने क्लैरिफाई किया कि ट्रायल में डिले और कोई नहीं बल्कि सिसोदिया ही करवा रहे हैं, एंड दैट इट कुड हैव स्टार्टेड बट वाज डिलेड ड्यू टू ऑब्जेक्शंस। द चार्ज शीट वाज फाइल्ड एंड द डिले इज नॉट कॉज्ड बाय मी। इंस्टेड ऑफ एडवांसिंग द ट्रायल, न्यूमरस एप्लीकेशंस वर फाइल्ड साइटिंग रिलायंस ऑन अनरिलीज्ड डॉक्यूमेंट्स। हालांकि जस्टिस केवी विश्वनाथन इस सबमिशन से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखे और दूसरा सवाल करते हुए पूछ लिया, मोस्ट ऑफ दिस एप्लीकेशंस हैव बीन अलाउड, आर देयर एनी ऑर्डर्स इंडिकेटिंग दैट दीस एप्लीकेशंस आर फ्रिवोलस and merely intended to delay the trial। जस्टिस विश्वनाथन ने आगे ये भी स्टेट किया कि एएसजी एसवी राजू को दिखाना होगा कि ये एप्लीकेशंस गलत थे, एंड दैट द ऑर्डर डजंट यूज द टर्म फ्रिवलस, शो अस समथिंग इंडिकेटिंग डिले टैक्टिक्स और विक्षेसियस इंटेंट। इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि उन्होंने बस 14 एप्लीकेशंस ही फाइल किए हैं, और वही जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि ये नंबर 40 है। हालांकि एएसजी राजू ने बाद में कहा कि ये नंबर 118 है, जो सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच चौंक तो गए, पर जस्टिस बीआर गवई ने एएसजी को समझाते हुए कहा कि नन ऑफ द एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड एज वेक्शेसियस। हालांकि एएसजी यहां नहीं रुके और सिसोदिया को फटकारते हुए कहा कि उनके सारे एप्लीकेशंस फालतू थे, एंड दैट ही गेव एन एप्लीकेशन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ नॉन रिलाइड डॉक्यूमेंट्स, सप्लाई ऑफ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एलिजिबल कॉपीज एक्सेट्रा। पर यहां एक पलट जवाब देते हुए जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि सेंट्रल एजेंसीज उन्हें बिना एप्लीकेशन के कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं दे रही थी, जिसके साथ ही उन्होंने ऐड किया कि कोर्ट डायरेक्टेड ऑल दीज एप्लीकेशंस टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, नन वाज रिजेक्टेड ऑन ग्राउंड ऑफ बीइंग वेक्सेशियस। लेकिन एएसजी एसवी राजू ने वापस से क्लैरिफाई करते हुए स्टेट किया कि आई एम सेइंग इट वाज डन टू डिले ट्रायल, द करंट ट्रायल स्टेज इज फॉर सीकिंग डिस्चार्ज, बट दे आर रिक्वेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स नॉट रिलाइड अपॉन। एएसजी ने कहा कि वे पिछले कितने महीने से डॉक्यूमेंट्स की लेन देन में ही लगे हैं, एंड दैट 8 मंथ्स हैव बीन स्पेंट ऑन ऑल दिस आस्किंग फॉर लेजिबल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। लेकिन एक पलट जवाब देते हुए जस्टिस विश्वनाथन ने पूछ लिया, हैव यू चैलेंज्ड द ऑर्डर्स व्हिच डायरेक्टेड ग्रांट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। लेकिन एएसजी ने यहां वापस से सिसोदिया को फटकारा और कहा कि देयर इज कैटेगोरिकल फाइंडिंग दैट देयर राइट वुड अक्रू आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, दे टुक 3 मंथ्स फॉर इंस्पेक्शन। यहां पर सुप्रीम कोर्ट बेंच पूछने पर मजबूर हो गई कि आखिर कितने ही डॉक्यूमेंट्स की बात यहां हो सकती है, जिसके बाद जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा, हाउ मेनी पेजेस आर देयर ऑफ व्हिच इंस्पेक्शन इज सॉट एंड व्हाट इज द टाइम फॉर इंस्पेक्शन। एएसजी राजू ने जब सुप्रीम कोर्ट बेंच को जवाब दिया कि इस मामले की इंस्पेक्शन सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होती है, तो वे चौंक गए और पूरे शॉक्ड हो गए जब उन्हें पता चला कि ये डेली की बात है। सुप्रीम कोर्ट बेंच को अपनी मुसीबत समझाते हुए एएसजी राजू ने स्टेट किया, डॉक्यूमेंट्स आर एक्सटेंसिव एंड मोर पर्सनल कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड, दे आल्सो हैव द राइट टू फाइल फॉर डिस्चार्ज। इस पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट किया कि दे हैव द राइट बट इट्स अप टू देम टू एक्सरसाइज इट। और एक बार फिर खुद का पलड़ा झाड़ते हुए एएसजी राजू ने क्लैरिफाई किया कि डिले उनके साइड से बिल्कुल भी नहीं है, एंड दैट एनी डिले इज ड्यू टू देयर एक्शंस नॉट द एजेंसीज, स्पीडी ट्रायल्स आर केस स्पेसिफिक एंड इट सीम्स दे प्रेफर टू डिले प्रोसीडिंग्स रादर देन एड्रेस द मेरिट्स ऑफ द केस। और यहां भी ऐड किया कि स्पीडी ट्रायल कांट बी स्टक इन द स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला, हाउ कैन डिले बी एट्रिब्यूटेड टू मी, आई नेवर सेड डोंट फ्रेम चार्जेस और डोंट प्रोसीड बिकॉज फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, रादर आई फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर एक्सपीडाइटिंग ट्रायल। हालांकि ये सबमिशन सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच को भी लगा कि सेंट्रल एजेंसी से भी इस मामले में डिले हुआ है, भले पूरा डिले का ब्लेम उन पर नहीं आ सकता। जस्टिस विश्वनाथन ने प्रोसिक्यूशन की टाइमलाइन पर एक सवाल उठाते हुए पॉइंट आउट किया है कि लास्ट चार्जशीट कम्स ऑन 28 जून,
Then you tell Supreme Court we are in the process of filing supplementary. This means that even you felt unless all charge sheets were filed, trial can't. यहाँ पर खुद को जस्टिफाई करते हुए एएसजी एसवी राजू ने जवाब देते हुए कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन कंटिन्यू देयर वर्क विदाउट हिंड्रेंस। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच इस बात से खुश नहीं दिखी एंड एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर पोटेंशियल टैम्परिंग विद इंपॉर्टेंट विटनेसेस, नोटिंग दैट 8 विटनेसेस कुड बी इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू डिलेज। और इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जब एएसजी से पूछा कि आखिर ट्रायल कब शुरू होगी, तो उन्होंने क्लियर किया कि जल्दी ही अगर कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग ना रह जाए, एंड स्टेटेड इफ दे कैन गिव अप इंस्पेक्शन विद इन अ वीक वी विल प्रोसीड अंडर सेक्शन 220। हालांकि यहां पर एएसजी को काउंटर करते हुए जस्टिस गवई ने कह दिया कि यू आर योरसेल्फ सेइंग इंस्पेक्शन इज नॉट नेसेसरी। इस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए एएसजी एसवी राजू ने स्टेट किया कि सम आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्किंग अंडर यूनियन ऑफ इंडिया, सम आर अप्रूवर्स, सम हैव बीन थ्रेटन्ड बाय अदर अक्यूज्ड, वी वांट टू फिनिश इट ऑफ, माय ऑफिसर इज सेइंग 12 बट आई एम रिस्ट्रिक्टिंग टू 8 to 10। जिसके साथ ही उनके सबमिशंस इस केस में खत्म हुए। इसके बाद बारी आती है वापस से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की, जिन्होंने सेंट्रल एजेंसीज को फटकारने में कोई कसर नहीं छोड़ी एंड स्टेटेड I regret to say arguments raised by prosecution are a sham, never raised before High Court, Trial Court, only being raised today to defeat interim relief. ASG के इस पॉइंट के खिलाफ कि सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने स्टेट किया कि they say I should be relegated back to trial court. Completely prejudicial. June 4 order can't be interpreted to mean I have to go back to trial court. 17 months already over, almost half of minimum possible sentence. हालांकि जस्टिस गवई ने कहा कि एएसजी का कहना है कि this revival has to be interpreted by the other bench. लेकिन यहाँ पर जो सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कह दिया उसे सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी गुस्सा दिखी. He stated, I regret to say but this does not behold of a law officer to make the argument. इसका पलट जवाब देते हुए जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि डोंट अटैक लॉ ऑफिसर्स, और इसी में ऐड करते हुए जस्टिस गवई ने भी कहा कि My learned friend's father was a prosecutor. I was also a prosecutor. इसके बावजूद भी जस्टिस विश्वनाथन का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने वापस से कहा कि इट्स अ पुअर स्ट्रेटजी टू अटैक लॉ ऑफिसर्स, जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने अपना कमेंट विड्रॉ कर लिया। अब अपने पॉइंट्स रखते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने आगे स्टेट किया कि दिस सी मेरिट्स वर डिसाइडेड बट दिस कोर्ट क्लैरिफाइड दैट बेल वाज नॉट ग्रांटेड एट दैट स्टेज। कोर्ट एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट पिटिशनर्स प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ये भी उठाया था कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में आम आदमी पार्टी मेंबर्स के अलावा भी कई लोग मौजूद थे एंड दैट एज फार एज प्रॉफिट मार्जिन 5 to 12% कैबिनेट डिसीजंस वर टेकन आफ्टर डेलिब्रेशंस विद मेनी ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग देन एलजी। फर्स्ट रिपोर्ट वाज ऑफ 4th सितंबर 2020, लास्ट रिपोर्ट वाज ऑफ। पर इस पे टोकते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि वे मेरिट के मामले में डाइव ही नहीं कर रहे हैं। दोनों साइड की स्टोरी सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले में अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। तो देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट बेंच मनीष सिसोदिया को रिलीफ दे सकती है या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।